खबर उत्तर प्रदेश बहराइच से। बहराइच CGM कोर्ट ने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बृहस्पतिवार को सुबह अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। कोतवाली देहात के हटीला शहजहांपुर जोत यूसुफ निवासी मोहम्मद रजी पुत्र बाबू ने अपने अधिवक्ता अरशद कुद्दूस के माध्यम से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दाखिल किया था। उनका कहना था कि कोतवाली देहात पुलिस उन्हें किसी मामले में थाने बुला रही है, ऐसे में अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करने चाहता है और पुलिस उत्पीड़न के चलते वह कोतवाली नहीं जा रहा है। वादी के पत्र पर न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिवेंद्र कुमार मिश्रा 5 दिसंबर से निरंतर कोतवाली देहात की पुलिस से आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दे रहे हैं। इसके बाद भी 14 दिन से मामला लंबित है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायस्कर्त को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और घोर लापरवाही मानते हुए उन्हें कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध केस दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।